हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों में राइटिंग स्किल को डेवलप करने की कुछ एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ को हम घर पर रेगुलर करवा कर अपने बच्चों का राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स का जो फर्स्ट स्टेप होता है स्क्रिबलिंग, आज की इस वीडियो में हम स्क्रिबलिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज की एक्टिविटीज़। इस फर्स्ट स्टेप में हम बच्चे से पहले फ्री स्क्रिबलिंग करवाएंगे। हम बच्चे को इस तरह कोई भी पेपर और कलर दे देंगे और इस तरह से उसे स्क्रिबलिंग करते हुए इस पूरे पेपर को भरने के लिए कहेंगे। इस स्टेप को करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है, जिसमें हम इस तरह की कोई भी शेप कट कर लेंगे। आप इसकी जगह सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी कट कर सकते हैं। हम इस तरह शेप को पूरा इस पे प्रॉपर चिपका देंगे और फिर बच्चे को कलर उठाकर इस शेप के अंदर अंदर कलर करने के लिए बोलेंगे और इस तरह से शेप्स के अंदर कलर करवाते रहेंगे। ये स्टेप हमें तभी करवाना है जब बच्चा फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल सही से स्क्रिबलिंग करने लग गया हो। इस तरह शेप कलर करवाने के बाद थर्ड स्टेप हमारा आता है कि हम ऐसे मोटी लाइन बनाकर कोई भी आकृति बना देंगे और फिर बच्चे को कलर देते हुए उस आकृति के अंदर कलर करने के लिए कहेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा लाइन से बाहर कलर ना निकाले, इसके लिए हमें बहुत मोटी लाइन बनाकर उसका यूज़ करना है। फर्स्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ी पतली बनाई है, आप इससे भी ज़्यादा मोटी लाइन बनाकर बच्चे से कलर करवा सकते हैं। इस तरह से हमें पूरी शेप में कलर फिल करवाना है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्स कलर का ही यूज़ करें, आप पेंसिल कलर, मार्कर, पेंसिल, पेन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से पूरी शेप में कलर करवा सकते हैं। हमें लास्ट में इस तरह से इस शेप को पतला करते हुए जाना है और एकदम लास्ट में जब बच्चा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस तरह कलर करने लग जाए तो हमें इतनी पतली लाइन बनाकर उसके अंदर कलर करवाना है। ये हमारा स्क्रिबलिंग का लास्ट स्टेप होता है जिसमें बच्चा अच्छे से कलर करना सीख जाए। तो इस तरह से हमें बिल्कुल पतली सी लाइन बनाकर शेप बनानी है और फिर उसके अंदर हमें बच्चे से कलर करवाना है। हमें धीरे धीरे करते हुए इस लाइन पे आना है, उससे पहले हमें मोटी लाइन बनाकर ही कलर करवाना है ताकि बच्चा अच्छे से कलर कर सके, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इस तरह की लाइन के बाद ही ये लाइन बना दें और बच्चा अच्छे से कलर करने लग जाए। हमें धीरे धीरे करते हुए आउटलाइन को कम करना है और बच्चे से कलर करवाना है। इस एक्टिविटी को हमें स्टेप बाय स्टेप ही बच्चे को सिखाना है। इस एक्टिविटी को करवाते हुए आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जब आपका बच्चा फर्स्ट स्टेप को अच्छे से करने लग जाए तभी आप सेकंड स्टेप करवाएं और उसके बाद धीरे धीरे थर्ड और फोर्थ स्टेप करवाएं और इस तरह से धीरे धीरे आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे करवाते रहें और बच्चे में स्क्रिबलिंग पावर इम्प्रूव हो जाएगी। अभी जो एक्टिविटीज़ हमने की है उन एक्टिविटीज़ को आप घर पर रेगुलर करवाकर अपने बच्चों का राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके बच्चों की ग्रिपिंग पावर डेवलप नहीं हुई है तो आप हमारी ग्रिपिंग पावर से रिलेटेड पहले की वीडियोस को देखकर अपने बच्चे में ग्रिपिंग पावर इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी इसी तरह की और वीडियोज़ को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।